इसी कड़ी में जो अतिथि देवो भव हमारे पास भारत माता की जय। राजीव बिंदल जी ने मंडल स्तर तक संगठन के जो गठन की जो प्रक्रिया को अब पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पर जीत हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मोर्चों के जिम्मे जो काम दिया है और वो मोर्चे उसमें काम करें, बेहतर ढंग से काम करें और परफॉर्म करें, उस तरह से कार्य योजना बनी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज किसान मोर्चा का नया जो गठन होने के बाद नई टीम बनने के पश्चात प्रदेश की उनके साथ पहली बार बैठना हो रहा है और बहुत जोश के साथ हमारे किसान मोर्चा के सभी हमारे साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो चारों सीटें हैं उन चारों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हमारे सात मोर्चे हैं, आईटी और सोशल मीडिया आठवां मोर्चा हम इसको मानते हैं, आठों मोर्चों का संयुक्त मोर्चा बैठक भी हमारी अति शीघ्र संपन्न होगी और ये हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विभिन्न वर्गों के अंदर जाकर के पार्टी का संदेश देंगी। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा और इसी तरह से आईटी और सोशल मीडिया का मोर्चा, ये पूरी ताकत और दमखम के साथ अब पूरे प्रदेश के अंदर जुटने वाले हैं, उसी तैयारी के लिए हम लोग आज बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।